पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। पार्टी से इस्तीफा उनकी ओर से दिया गया है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं कैप्टन। ये बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी। तो सात पन्नू का इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त के कैप्टन पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं पहले ही। हालांकि अपनी पार्टी बनाने की घोषणा भी वो कर चुके थे। अब इस्तीफा भेजा गया है, सात पन्नों का ये इस्तीफा भेजा गया है। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन पहले भी कह चुके थे कि वो कांग्रेस भी छोड़ देंगे। तो कैप्टन अपनी पार्टी के गठन का ऐलान कर चुके हैं। अब इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा गया है, पार्टी से इस्तीफा उनकी ओर से दे दिया गया है। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर के। अनिल, कैप्टन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अपनी पार्टी वो बनाएंगे, गठन का ऐलान कर चुके हैं, अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया उनकी ओर से। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, बात करें जो उनकी कुर्सी थी मुख्यमंत्री की, तो पहले ही जा चुकी थी और जो कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी थी वो लगातार सामने आ रही थी। और ये भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट कर चुके थे कि वो आने वाले दिनों में एक नई राजनीतिक शुरुआत करने जा रहे हैं, पार्टी बनाएंगे वो। और अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इस्तीफा अपना कांग्रेस से दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की जो प्राथमिक सदस्य है वो छोड़ दिया, जो अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भेज दिया और जो इस्तीफा भेजा है सात पेज का इस्तीफा उन्होंने भेजा। और उसमें कहना कि उन्होंने जो अपनी जो पूरी की पूरी राजनीति रही है उसका जिक्र यहाँ पर किया है। जो शुरुआत में जो इस्तीफे की लाइनें थी उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जो उनकी जो एक राजनीतिक रही है 7 साल से ज्यादा की रही है, उन्होंने आर्मी में रहकर देश की सेवा की है, पंजाब की उन्होंने सेवा की है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र यहाँ पे किया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका तो पहले ही लग चुका था, अब विधिवत तौर पर अपना इस्तीफा कांग्रेस से दे दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो अनिल, मानकर चले कि इस्तीफा स्वीकार तो होगा क्योंकि अलग रहे हैं, तो ये पहले से अपना चुके हैं मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कैप्टन अलग तो जाहिर तौर पर चल रखे हैं पार्टी लाइन से। बिल्कुल, देखिए वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की भी पंजाब के ऊपर पूरी नजरें हैं। जो इस्तीफा यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दिया गया है उनकी तरफ से जो देश को उनका योगदान रहा है आर्मी में उस योगदान का जिक्र किया गया है, पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नेता के तौर पर जो योगदान है उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम रहा है उसमें हरीश रावत का क्या रोल है उसका भी जिक्र उस इस्तीफे में किया गया। यानी कहीं ना कहीं जो अपनी सारी बातें सोनिया गांधी तक उन्होंने इस इस्तीफे के मार्फत पहुंचा दी है। और अब वो क्योंकि लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के भी संपर्क में है और कहीं ना कहीं वो स्पष्ट भी कर चुके आने वाले दिनों में कितना एक राजनीतिक मंच भी वो अलग बनाएंगे, तो ये स्पष्ट हो चुका। कांग्रेस की भी इस बात को लेकर नजरें बनी हुई है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी नेता रहे हैं, चाहे उनके मंत्रिमंडल में वो उस वक्त रहे हो विधायक रहे हो, उन पर कांग्रेस आलाकमान भी नजर रखते हुए कहीं आने वाले दिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कोई अलग सियासी पारी खेलते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपने जानकारी दी। प्रीतपाल महिवाल हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इस्तीफा भेज दिया गया है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए बड़ी मंदभागी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को आज अलविदा कह दिया है। हम नहीं चाहते कांग्रेस छोड़ के जाए क्योंकि उनका बड़ा राजनीतिक करियर जो रहा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। ठीक है पिछले आए हुए पर हमारी कोशिश थी कि वो ना छोड़े पर वो छोड़ के गए हैं, बहुत ही बाकी बात है। उसके लिए अब वो नई पारी बात करने लगे हैं तो हम उन्हें बेस्ट विशेष दे रहे हैं कि चलो कोई ना, अगर 53 साल आपने कांग्रेस को दिए हैं तो आगे हम नहीं चाहते कि आप उन शक्तियों के साथ जाकर मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़े जो देश के लिए अच्छी नहीं। प्रीतपाल जी, अब तक भी हालांकि उनको मनाने की कोशिश तो कोई नहीं की गई थी पार्टी हाईकमान की ओर से, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि हाईकमान भी तैयार है उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए? देखिए अभी हाईकमान ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तब हटाया गया था जिससे जब MLA उनके खिलाफ हो गए थे, वरना उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं पंजाब में। हम कह रहे हैं कि कहीं उनको अच्छे लगे होंगे कहीं हम दस लगे होंगे, बट हम नहीं चाहते थे कि कैप्टन का छोड़ के जाए। बहुत बड़े एक ग्रुप था जो चाहता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी में बने रहे, बट एक ग्रुप था जी। अच्छा, नई पार्टी का गठन करेंगे तो नुकसान तो आप लोगों को ही होगा चुनाव में, आपकी पार्टी को। मैं तो कह रहा हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है पंजाब में, सबसे टॉलेस्ट लीडर थे, उनका नुकसान तो होगा। अब कोई यहाँ पे आके उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, जिन्होंने 9.5 साल
जी जी बड़े बड़े नेताओं कांग्रेस के रहे, पंजाब सियासत के बड़े नेता रहे। जी ठीक है, 25 साल से उनकी ग्रिपिंग थी हमारी पार्टी के ऊपर, तो वो नुकसान तो होगा, नुकसान होगा आप भी मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीतपाल सिंह जी, आपने वक्त दिया हमारे साथ जुड़े। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से इनके भविष्य की राजनीति के लिए बधाई दी गई है। कैप्टन को साथ ही माना गया है कि हाँ नुकसान तो देखिए जाकिर है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना होगा। ये एक आप पत्र देख रहे हैं, साथ ही जो पूरा इस्तीफा लिखा गया है वो है 7 पन्नों का, यानी विस्तार से जाकिर के विस्तार से लिखा गया होगा किस तरह से कांग्रेस के साथ रहे, क्या कुछ भूमिका अदा की गई और कैसे स्थिति बनी कि उन्हें पार्टी की ओर से सीएम पद से हटा दिया गया और आज वो मजबूर हो गए पार्टी से इस्तीफा देने को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बताई, पंजाब कांग्रेस से जुड़ी, पंजाब की सियासत से जुड़ी।